Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asghar Ali from Department of Management Sciences, Virtual University of Pakistan. Welcome back in NVivo modules. And in this session, we will learn how to run word frequency query by using NVivo software. This is the 15th session, and let's explore NVivo software in order to understand word frequency query. This is the user interface of NVivo software. आज के इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि वर्ड फ्रीक्वेंसी क्वेरी कैसे रन की जाती है. तो आप सबसे पहले क्लिक करें क्वेरी ऑप्शन पे. क्वेरी के बाद वर्ड फ्रीक्वेंसी क्वेरी जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये इंटरफेस आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो गई है डिटेल्ड व्यू के अंदर. तो डिटेल्ड व्यू के अंदर इसकी कुछ टैब्स हैं जिनको आप अंडरस्टैंड कर लें, लाइक सर्च इन ऑल सोर्सेज, सिलेक्टेड आइटम्स, सिलेक्टेड फोल्डर्स. सो दिस वुड बी योर चॉइस कि आप किस फोल्डर या सोर्स में से सर्च करना चाहते हैं वर्ड्स को, उनकी फ्रीक्वेंसी को. मैं इसको कस्टमाइज करता हूँ सिलेक्टेड आइटम से, लाइक इंटरनल में जाके मैं सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स फ्रॉम एंड नोट, उन आर्टिकल्स पर यह क्वेरी रन करूँगा. उसके बाद मैंने इसको कहा जी कि मुझे 1000 वर्ड नहीं चाहिए, मैं सिर्फ 20 वर्ड्स. ये भी आपकी चॉइस होगी, चाहे तो आप ऑल वर्ड्स पे क्लिक कर लें, 20, 50, 100, जितने वर्ड्स की आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें. तो मैं टॉप 20 वर्ड्स इसको दे रहा हूँ. उसके बाद विद मिनिमम लेंथ, लेंथ ऑफ वर्ड कितनी होनी चाहिए जी, मैं आई वुड से कि इट मस्ट बी 4. आप 3 भी कर सकते हैं, 2 भी. 2 करेंगे तो ये ऑन को भी ले लेगा, इट को भी ले लेगा, इन को भी ले आएगा. तो इस तरह ये आपने देख लेना है कि जब आप क्वेरी रन करें तो आप मिनिमम कितने वर्ड्स, उसकी लेंथ, उसके करेक्टर कितने होने चाहिए. अच्छा, मैंने टॉप 20 वर्ड्स का 4 करने के बाद क्वेरी रन कर दी. क्वेरी रन करने के बाद रिजल्ट्स के अंदर मैं ये देख सकता हूँ कि टॉप 20 वर्ड्स फ्रीक्वेंसी वाइज जो सबसे ज़्यादा अपीयर हुए इन आर्टिकल्स के अंदर, जिनको मैंने सेलेक्ट किया था इस क्वेरी के लिए, वो मेरे सामने है. सबसे टॉप पे जो वर्ड आ रहा है दैट इज़ एंटरप्रेन्योरियल. इसकी लेंथ 15 है, मतलब 15 करेक्टर है इसके अंदर, और काउंट इसका क्या है जी, 557 टाइम्स. उसके बाद 457 है फिर रिसर्च का, एंटरप्रेन्योरशिप का. इस तरह ये देखें कि ये वर्ड फ्रीक्वेंसी वाइज टॉप 20 वर्ड्स अपीयर हुए हैं. अच्छा जी, अब हम ये चाहते हैं कि मैं देखना चाहूँ तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, एंटरप्रेन्योरियल पे डबल क्लिक करूँ. तो ये इसने मुझे उसका नॉट व्यू दे दिया है. ये देखें, ये हम देख सकते हैं कि किस किस सोर्स में से कहाँ कहाँ किस किस सेंटेंस में ये वर्ड अपीयर हुए हैं. ये देखें, ये आपका फर्स्ट सोर्स था एंडरसन का आर्टिकल. इसी तरह अगर आप इसको रीड करते जाएं तो नेक्स्ट सोर्स पे ये आपको ले जाएगा कि किस किस सोर्स में से कितने टाइम्स किस सेंटेंस में ये वर्ड आया है. ये देखें, ये फर्स्ट है. इसी तरह ये नीचे सेक्शन 1 of 6 आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करें तो आपको नेक्स्ट सेशन में ले जाएगा. ये देखें, और इसी तरह नेक्स्ट सोर्स जब स्टार्ट होगा, ये देखें, ये नेक्स्ट सोर्स इंटरनल्स आर्टिकल्स कॉबिन जेफरी, सेकंड आर्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं. तो मैंने ये फर्स्ट आर्टिकल पे क्लिक किया था. अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. मैं अगेन फर्स्ट पेज पे चला जाता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इसको सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ. सेलेक्ट ऑल करने के बाद मैंने इस पर अगेन राइट क्लिक किया. राइट क्लिक करने के बाद कोडिंग कॉन्टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ रहा है. मसलन मैं ये चाहता हूँ, मैं दोबारा से आपको बता दूँ कि ये जो सेंटेंस है ना, ये ज़रा और ज़्यादा मटेरियल यहाँ पे इसके सराउंडिंग, मतलब इसी पैराग्राफ में से और मटेरियल मैं देखना चाह रहा हूँ. मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, सेलेक्ट ऑल, अगेन राइट क्लिक, कोडिंग कॉन्टेक्स्ट, और मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ. अच्छा, जब मैंने ब्रॉड किया ना, तो यू कैन सी इसने किया क्या कि इसने कॉन्टेक्स्ट को ज़्यादा कर दिया, कि मतलब जो भी आपका पैराग्राफ का जिस जिस वर्ड में एंटरप्रेन्योरियल आ रहा है, उसका पूरे का पूरा पैराग्राफ उठा के हमारे सामने कर दिया. अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं फिर राइट क्लिक करूँ, सेलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, कोडिंग कॉन्टेक्स्ट, मैं इसको नैरो कर देता हूँ. तो ये देखें, नैरो के बाद इसने मजीद हमारे सामने समराइज फॉर्म में ले आया है, जो कि इसकी शायद ओरिजिनल फॉर्म थी. मैं इसको वर्ड स्पेसिफिक भी कर सकता हूँ. अगेन इस पर सेलेक्ट ऑल करें, राइट क्लिक करें, कोडिंग कॉन्टेक्स्ट, और ये कस्टम पे जाके जैसे प्रीवियस क्वेरी के अंदर हमने किया था, नंबर ऑफ वर्ड्स को मैं यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ. सो ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास. ये देखें, यहाँ पे जब मैंने वर्ड्स को चूज़ किया तो उसने उसके अकॉर्डिंगली मेरे सामने ला के क्वेरी को रख दी. वेल, हम इस वर्ड को एज ए कोड भी सेव कर सकते हैं. मसलन मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट एज नोट, ये ऑप्शन आपके सामने है. तो आप ये समझते हैं कि किसी वर्ड को आप एज ए नोट क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप इस पर क्लिक कर दें,
ये आपसे पूछेगा कि किस प्लेसमेंट में रखना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी नोड्स में, ये जो फर्स्ट वर्ड एंटरप्रेन्योरियल है इसको एज ए नोड क्रिएट कर दे, इस पर ओके किया। इसका नेम वो आपसे पूछेगा, मैंने कहा जी एंटरप्रेन्योरियल या वर्ड्स एवर, जो भी आप डिसाइड करना चाहें आपकी अपनी रिसर्च के मुताबिक जो वर्ड्स अपीयर होंगे करने के बाद, वी कैन सी नोड्स में जाके। ये वो नोड है जो अभी हमने क्रिएट किया है, इस पर आप डबल क्लिक करें तो थ्रू वर्ड फ्रीक्वेंसी ये देखें हमने नोड क्रिएट कर लिया है। इसी तरह अगर हम इस फ्रीक्वेंसी क्वेरी को मज़ीद एक्सप्लोर करें, मैं मसलन इसके नेक्स्ट टैब पे जाता हूँ वर्ड क्लाउड पर, ये देखें ये वही टॉप 20 वर्ड्स हैं फ्रीक्वेंसी वाइज, जो सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे लार्ज टेक्स्ट है ये सबसे ज़्यादा अपीयर हुआ है। इसकी फॉर्म्स और शेप्स आप तब्दील कर सकते हैं, टॉप पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये देखें जिस भी फॉर्म और टेक्स्ट शेप में आप इसको कन्वर्ट करना चाहें ये वर्ड क्लाउड आपका क्रिएट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अपीयर हुए एंटरप्रेन्योरियल, उसके बाद कंस्ट्रक्ट है, फिर रिसर्च है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप है, इस तरह ये 20 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद इसी क्वेरी के अंदर ट्री मैप भी आप देख सकते हैं, ये ट्री मैप है। सबसे जो ज़्यादा अपीयर हुए हैं वो पहले लफ्ज़ आएंगे, उसके बाद देखें उसके बाद जो कम फ्रीक्वेंसी है, और इसी तरह इनको तरतीब दी गई है। सबसे जो कम आया है वो माइलर, फिर उसके बाद बिजनेस है, परफॉर्मेंस भी है, इंटरनेशनल, ये सबसे कम आया टॉप 20 वर्ड्स की अगर हम बात करें। इसके बाद हमारे पास है जी क्लस्टर एनालिसिस, लास्ट ऑप्शन कि आप टॉप 20 वर्ड्स का ये क्लस्टर हमारे सामने अपीयर हो रहा है। क्लस्टर होता है जी वर्ड सिमिलरिटी के अकॉर्डिंगली, मसलन ये वर्ड्स सारे 20 ही हैं, आप इनको काउंट कर लें जो आपने अभी सर्च किए हैं। अब इसने क्या किया, उन वर्ड्स के अंदर जो सराउंडिंग पैराग्राफ में वर्ड्स सिमिलर हैं उनको उनके क्लस्टर वाइज इसने ऑर्गेनाइज कर दिए। और क्लस्टर्स की शेप्स को आप यहाँ से तब्दील भी कर सकते हैं, मसलन ये आपके पास ऑप्शंस कुछ यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनको आपने खुद से रन करके देखना है, और बहुत सारे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब हम देखते हैं कि लेट्स से मैनेजमेंट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये उस वर्ड के जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है उस वर्ड्स के अंदर जहाँ जहाँ से उसका रेफरेंस है ये आपके सामने ले आएगा। इसी तरह अगर मैं देखूँ फॉर्म्स का तो फॉर्म्स के सामने आपका जो टेक्स्ट है वो सामने ले आएगा आपका सारा। और ये हर वर्ड को आप एज ए नोड भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें मैं क्लस्टर में से भी जाके मैं डायमेंशन को चाहूँ तो एज ए नोड क्रिएट कर लूँ, एंटरप्रेन्योरियल को चाहूँ तो एज ए नोड क्रिएट कर लूँ। तो ये तो था जी क्लस्टर एनालिसिस ऑप्शन। अच्छा इसी के अंदर मैं वापस आता हूँ ओरिजिनल रिजल्ट पे। यहाँ पे ये देखें वो वर्ड्स हैं जो उसने एग्जैक्ट मैच किए हैं, ये मेरे पास स्केल है ग्रुपिंग का। अच्छा मैं अगर इसको कर दूँ विद स्टेम्ड वर्ड्स, दोबारा से रन करूँगा तो ये क्या करेगा कि आपको फ्रीक्वेंसी तो जाहिर है शो करेगा लेकिन साथ उसके कुछ और वर्ड्स भी स्टेम, जैसे इसने ऑप्शन दी टॉक और टॉकिंग। अच्छा मैं इसको मजीद सिनोनिम्स पे ले जाता हूँ, थर्ड ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो ये देखेंगे अमेजिंग रिजल्ट्स ही आपको निकाल के देगा कि जो आपने वर्ड टॉप 20 हैं जिनकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उन वर्ड्स के सिनोनिम्स भी आपके सामने लिस्ट वाइज निकाल के दे देगा। लाइक ये देखें कंस्ट्रक्ट आ रहा है तो इसका बिल्ड बिल्डिंग बिल्ड्स कॉन्सेप्ट कंसेप्शन कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टेड आपके तमाम जो सोर्सेज आपने यहाँ सेलेक्ट किए थे हमने यहाँ पे आर्टिकल किए थे तो उनमें से उन वर्ड्स के सिनोनिम्स भी आपके सामने ला के रख देगा। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी इंपॉर्टेंट ये क्वेरी है। इन रिजल्ट से आप फर्दर कोड जनरेट कर सकते हैं, थीम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोस्ट इमरजेंट थीम्स कौन से हैं फ्रीक्वेंसी वाइज। आई होप कि आप इस क्वेरी को अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि कैसे इसको NVVO के अंदर रन किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।